आज हम बनाएंगे इतना टेस्टी स्वादिष्ट सुपर डुपर क्रिस्पी और स्पाइसी नाश्ता, जिसे खाने के बाद बच्चे हो या बड़े इसका स्वाद नहीं भूल पाएंगे और सभी चटकारे लेकर भी खाएंगे। हेलो फ्रेंड एंड फैमिली, वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। सो फ्रेंड, आज मैं लेके आ गई हूँ बहुत ही क्रिस्पी सुपर डुपर नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप स्नैक के तौर पर बना सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं, बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और इसके साथ ही बनाएंगे अमेजिंग सी चटनी। और इसे बनाना बहुत ही आसान है, मार्केट जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर पर पड़े सामानों से बनाएंगे, बहुत ही कम समय में बनकर रेडी हो जाता है और इसके साथ ही बनाएंगे बहुत ही टेस्टी स्पाइसी और पेट के लिए हेल्दी चटनी। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। उससे पहले छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो में लास्ट तक बने रहे, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक का बटन जरूर क्लिक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो फ्रेंड, सबसे पहले सुपर डुपर क्रिस्पी नाश्ते बनाने के लिए मैं यहाँ पर ली हूँ 1 कप फोहे। फोहे को हम एक बार मिक्सी ग्राइंडर में इसे चला लेंगे, इसे ज़्यादा बारीक नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरा ही पीसना है, बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे। अब इसको हम एक बड़े से बाउल में निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए, 1 कप, जिस कप से हमने फोहे लिए थे उसी कप से 1/4 कप हम यहाँ पर बेसन लेंगे, 1/4 कप यहाँ पर मैं सूजी ली हूँ, यानी 1/4 कप सूजी। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून इसमें डालेंगे भुना हुआ जीरा का पाउडर, 1/4 चम्मच इसमें डाल देंगे काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी 1 चम्मच डालेंगे इसमें ओरिगैनो और 1 चम्मच डालेंगे इसमें चिली फ्लेक्स, थोड़ी सी डालेंगे हम इसमें कटा हुआ हरी धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे। और अभी हम डालेंगे 2 कप पानी, इसमें पानी सोख लेगा तो 2 से 3 कप और पानी आप डाल लीजिए और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी 2 कप पानी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगभग इसमें 3 से 4 कप पानी डल जाता है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर पानी हमारा डल गया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर ले एक बार, कि इसमें कोई लम्स या गुठलियाँ ना रहे। और देखिए, जब तक सूजी सेट हो रहा है तब तक हम चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर गैस पर हमने चढ़ा दिया है पैन, पैन में डाले हैं 2 चम्मच सरसों के तेल, तेल को अच्छे से गर्म कर लें और इसमें डाल देंगे 1/2 चम्मच जीरा और 1/2 चम्मच हम इसमें सफ़ेद तेल डालेंगे। अगर आपके पास सफ़ेद तिल ना हो तो आप राई भी डाल सकते हैं। जीरा और तिल को अच्छे से क्रेकल हो जाने देंगे तेल में। अब इसमें डाल देंगे 2 से 3 कटी हुई हरी मिर्च, इसे भी थोड़ी देर के लिए हम सौते कर लेंगे 1 से 2 सेकेंड के लिए। अब इसमें हम डालेंगे कुटी हुई अदरक और लहसुन, अदरक लहसुन काट के कुटी हुई है, आप चाहो तो यहाँ पे काट के भी डाल सकते हो या पेस्ट भी डाल सकते हो, पर ऐसे कूट के डालने से फ्लेवर बहुत अच्छा निकल के आता है। और इसे भी हम भून लेंगे जब तक इसका जो अपना स्मेल होता है वो निकल जाए, तब तक भूनेंगे, ज़्यादा नहीं भूनना है फ्रेंड यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, हम एक मीडियम साइज के आलू लिए हैं, इसे कद्दूकस कर लिए हैं और इसे भी डालकर हम भून लेंगे। तो भूनने के पहले तो जितनी आलू है उतनी ही हम उसी की अकॉर्डिंग हम नमक डालेंगे, इसमें ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे, नहीं तो हमने पहले सूजी भिंगोया है उसमें भी नमक डाला है, फोहा सूजी का जो मिक्सर बनाया है उसमें भी नमक डाला है, तो इसलिए नमक यहाँ पर ध्यान दें। अब हम इसमें डालेंगे, अच्छे से इसको भून लेंगे पहले फ्रेंड, 1 से 2 सेकेंड के लिए इसे हम भूनेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। अब देखिए, यहाँ पर आलू हमारा हल्का हल्का भून गया है। अब इसमें जो हम सूजी पोहे और बेसन के मिक्सचर बनाए थे उसे डाल देंगे। तो यहाँ पर देखिए, सूजी पानी सोख लिया था, मैंने 2 कप और पानी डालकर इसे मिक्स कर लिया, लगभग इसमें 5 कप पानी लगे हैं उसी कप से, और ऐसे फूल जाता है सूजी तो बहुत ही अच्छा टेस्टी नाश्ता बनता है। पोहा भी पानी पीता है, सूजी भी पानी पीता है और बेसन भी पीता है, इसलिए इसमें पानी की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा लगती है। और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम जब तक पकाएंगे, तो गैस के फ्लेम हम मीडियम रखेंगे यहाँ पर, और इसे कंटिन्यू चलाते हुए हम इसे जब तक ये डो के रूप में ना आ जाए ना, तब तक इसे हम पकाते रहेंगे। ऐसे बनने से सूजी के नाश्ता बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनता है। आप चाहो तो इसे स्टिक भी बोल लो या स्नैक भी बोल लो, कुछ भी बोल दो। यहाँ पर देखिए, नाश्ता हमारा अच्छे से डो के रूप में हो गया था। अब एक चकला ले लीजिए या कोई प्लेटफार्म पर, अब थोड़ी सी ऑयल लगा दीजिए और उसी पर हम लगाएंगे, डालेंगे ये अपना मिक्सचर और इसे अच्छे से फैला दे। तो मैं यहाँ स्टिक वाले, अगर आपको कोई और शेड देना है तो आप इसे रोल भी बना सकते हैं, सिलेंडर भी बना सकते हैं या ट्रेंगल शेप में भी काट सकते हैं इसे, पर मैं इसे थोड़ा ऐसे दूसरे तरीके से मैं बना रही हूँ, ब्रेड स्लाइस की शेप दे रही हूँ इसे मैं।
तो यहाँ पर देखिए ऐसे इसको अच्छे से फैला देंगे, इक्वल फैलाएंगे क्यूब में, और इसे ठंडे होने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट लगेंगे इसे ठंडे होने में। अब इसे हम इसको पीसेज में काट लेंगे, तो ऐसे लंबे लंबे स्टिक में हम कटिंग करेंगे इसको। आप यहाँ पर अपने मर्जी के अकॉर्डिंग इसमें शेप कट कर सकते हैं। तो ये नाश्ता बहुत ही जल्दी बनकर रेडी होता है और हेल्दी भी लगता रहता है और टेस्टी भी लगता है। तो एक बार इसे ट्राई कीजिएगा फ्रेंड। और इसके साथ हम बनाएंगे बहुत ही अमेजिंग सी चटनी। तो ये देखिए नाश्ते को हम इक्वल काट लिए हैं और एक कप पोहे में हमारी इतनी नाश्ता बनकर रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं, एक बार मैं आपको उठाकर देख खा रही हूँ। देखिए कितने अच्छे से सेट हो गए हैं। आप चाहो तो इसे देखिए कितने अच्छे से ये सेट हो गया है। तो आप इसे सिलो फ्राई भी कर सकते हैं या डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या आप इसे स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने फ्राई करने के लिए एक पैन रखा है, पैन में डाल दिया है तेल। तेल हमारा अच्छे से गर्म है और गैस के फ्लेम हम हाई रखेंगे और तेल हमारा अच्छी खासी गर्म होना चाहिए। अब हम डालेंगे अपने ये स्टिक, तो इसको हम ज़्यादा नहीं डालेंगे। जब तक वो फ्राई हो रही है तब तक इसके साथ खाने के लिए हम एक चटनी बनाएंगे। तो ये बताइए फ्रेंड ये क्या है? हमारे तरफ तो इसे करौंदे बोला जाता है और इसकी चटनी बहुत ही टेस्टी होती है। अगर आपकी तरफ आप इसका नाम जानते हैं तो ज़रूर बताइएगा। तो इसकी चटनी बना लेंगे और इसमें थोड़ी सी धनिया डाल देंगे, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक डालेंगे और 1 से 2 लहसुन की कलियाँ डाल देंगे इसमें, और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें 1/2 कटा हुआ नींबू डालेंगे। तो ये खट्टे होते हैं, आप चाहो तो इसे नींबू को स्किप भी कर सकते हो। 1/2 टीस्पून इसमें भुना हुआ जीरा डाल देंगे, थोड़ी सी इसमें डालेंगे काला नमक और रेबलो वाला नमक स्वाद अनुसार डाल देंगे। थोड़ी सी पानी डालकर इसकी चटनी बना लेंगे और ये देखिए कितनी अच्छी चटनी बनके हमारी रेडी हो गई है। तो आप ज़रूर बताइएगा इसका नाम कि आपके तरफ इसे क्या बोला जाता है। और तब तक देखिए हमारे नाश्ते भी अच्छे से फ्राई हो गए हैं। तो इसे हल्के हाथों से हम उलटेंगे। इसको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि इस पर कलर जल्दी नहीं आता है। और ये देखिए कितने अच्छे से, और इसे छेड़िएगा नहीं फ्रेंड। इसे डालने के बाद आप छोड़ दीजिए, जब तक ये अच्छे से सेट नहीं हो जाता तेल में तब तक इसे पलटिएगा नहीं। ये देखिए उलटते पुलटते हमारे नाश्ते कितने अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इसके ऊपर कितने अच्छे कलर भी आ गया है सुनहरा सा। तो अब ये हमारा नाश्ता फ्राई हो गए हैं, अब इसे हम निकाल लेंगे। तो सारे नाश्ते को हम ऐसे ही फ्राई कर लेंगे फ्रेंड यहाँ पर। तो ये देखिए हमने पहला बैच तो निकाल लिया है और कितने अच्छे इस पे कलर आएंगे, अब देख के आपके मुंह में पानी आ रहा है। एक भी नहीं बिखरेगा, ना ही टूटेगा। तो ये देखिए दूसरा बैच भी हमारा सिक जाएगा थोड़े देर में। और ये लीजिए फ्रेंड, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, सुपर टेस्टी स्पाइसी क्रिस्पी नाश्ता हमारा बन के रेडी हो गया है, वो भी अमेजिंग से चटनी के साथ। तो इस चटनी जिससे हमने बनाया है उसे आप लोग क्या बोलते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आज की रेसिपी पसंद आए आपको। आज की जो रेसिपी है ना बहुत ही स्पेशल है, तो आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको छोटी मोटी भूख हो या कुछ स्पाइसी खाने का मन करे शाम के समय, तो आप इसे बना सकते हैं। आप इसे स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी खाने का मन करे आप इसे फ्राई कर लीजिए फटाफट। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। तो रेसिपी पसंद आए, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप हमारी आसान